ग्लोबल क्लूज और सेबी के नए एफएन रूल्स, इन सब के चलते आज इंडियन मार्केट्स में बड़ी सेल ऑफ आई। 2% के आसपास हमारे बैंक निफ्टी ने भी माइनस जाके क्लोज दिया। 1077 पॉइंट्स माइनस जाके बैंक निफ्टी क्लोज आया है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो कल सुबह उठ के मैं पुट बाय कर लूंगा, अरे आज तो मैं रह गया, तो ये गलत सोच होती है। आपको हमेशा आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, आपके लेवल को देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप सही ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के अंदर कल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कल के लेवल्स देख लेते हैं, और कहां पे कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं इस बात को एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे कल के लिए अगर मैं तीन इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, तो एक होगा हमारा आज का हाई जो हमारे यहां बना 52,582 का, फिर आज का क्लोज जो हमारे यहां बना 51,845 पे क्लोज आया है, और दोस्तों आज का लो जो हमारे यहां बना 51,683। अब अगर आप बोल रहे हो कि सर क्या कोई बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे हिसाब से सही ट्रू जेन्युइन बाउंस बैक आने के लिए बैंक निफ्टी को और 400 पॉइंट गिरना चाहिए। अब आप बोलोगे ये तो कहां के लॉजिक हुआ, बताता हूं। देखिए डेली चार्ट अगर हम देख पा रहे हैं, तो डेली चार्ट में यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जो मैंने अभी यहां पे ग्रीन कलर का बनाया वहां पे। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फिलअप करने के लिए आता है, जो लॉजिक के हिसाब से तो आना चाहिए, तो वहां पे जो लॉजिकल लेवल बन रहा है वो 51,420 के आसपास का एक लेवल बन रहा है। अगर वहां तक गिरता है, ये लेवल को टच करता है, और वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, वहां पे कोई बुलिश हैमर कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली वहां पे हम एक अच्छा बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, छोटे एसएल के साथ मिल सकता है, और एक अच्छा बड़ा लंबा मूव भी आपको यहाँ पे दे सकता है। सो ये एक प्लानिंग है कि अगर आपको बाउंस बैक देखना है, अगर आपको कोई बुलिश ट्रेड लेना है, तो मेरे हिसाब से 400 पॉइंट के फॉल का इंतजार करना चाहिए। सबसे बेस्ट बुलिश ट्रेड अगर कहीं पे मिलेगा तो 51,420 के आसपास मिलेगा, जहां पे डेली चार्ट के अंदर का फेयर वैल्यू गैप फिलअप होगा। उसके सिवाय चले जाते हैं आर्ली चार्ट के अंदर, और प्लान करते हैं कि और यार सर हम कहाँ भी प्लान कर सकते हैं और क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर 51,845 से ऊपर की तरफ जाता है, तो पहला लेवल बट नेचुरली हमें यहाँ मिलेगा वो होगा 52,000 का बिग राउंड नंबर, जो एक ओआई के हिसाब से, बिग राउंड नंबर के हिसाब से, साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 52,142 के आसपास आर्ली चार्ट में एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और उसके बाद का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 52,300। 52,300 अगर क्रॉस होता है, देन आई बिलीव वहां पे हम एक 300 पॉइंट का गैप, 300 पॉइंट का मूव प्लान करेंगे, जो हमें 52,589 जहां पे आज का हाई बना हुआ है वहां तक ले जाएगा, और उसके बाद जो डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे गैप फिलअप हो चुका है वो लेवल हमारे लिए रहेगा 52,811 का। तो ऊपर की तरफ 1,000 पॉइंट्स की प्रोविजन हमने ऑलरेडी करके रखी है, विच इज आई थिंक मोर देन सफिशियंट। इसके ऊपर जाता है तो मुझे यकीन है कि आप नए लेवल्स निकाल सकते हो। अगर नीचे की तरफ आता है, तो पहला लेवल, पहला क्रुशियल जोन हमारे लिए रहेगा 51,683, जहां पे आज का लो बना हुआ है। अगर वो ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा क्रुशियल लेवल 51,426, जहां पे डेली चार्ट में हमने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। उसके बाद आर्ली चार्ट का फेयर वैल्यू गैप 51,247, एंड 51,247 के बाद 51,000 का बिग राउंड नंबर दैट विल बी एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर अस। और अगर 51,000 वी ब्रेक करता है, तो मेरे हिसाब से 50,717, उसके बाद के लेवल्स हमें यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग जोन है वो मेरे हिसाब से बन रहा है 50,377। तो यहां तक के लेवल की मैं प्लान कर रहा हूं। एक बात आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, चार्ट के ऊपर भरोसा रखे, लेवल के ऊपर भरोसा रखे। ईरान ने इसराइल को फोड़ दिया, इसने मिसाइल फोड़ दिया, इसने बम फोड़ दिया, इसने इसको मार दिया, एफएनओ के नए रूल्स आ गए, ये सब न्यूज अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, बट ये सब आपके ट्रेड लेने का जरिया या बेस कभी नहीं हो सकते हैं। अगर आप अग्री करते हो तो टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।